नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के साहित्यिकी अंक में हमारी चर्चा का विषय है पर्वत लोक में सावन के स्वर, और परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृति कर्मी डॉक्टर राकेश भट्ट। नमस्कार। और साहित्यकार तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी और डॉक्टर राकेश भट्ट जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर राकेश भट्ट आपसे करता हूँ, और आपसे पहले तो यही जानने का मन है कि जो सावन ऋतु है वो हमारे पर्वत प्रांतर में किस रूप में दर्ज है, इस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी आ जाएगी, फिर मैं तिवारी जी। धन्यवाद नौटियाल जी। जी, लोक में जो सावन हमारा है जी, अगर मैं कहूँ कि जितनी ऋतुएं हमारी लोक में दर्ज की गई हैं जी, उसमें सर्वश्रेष्ठ ऋतु का अगर कोई है तो वो सावन की ऋतु है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पूरे संसार भर में जितना गीत संगीत, जितना आह्लाद और जितना उत्साह अगर भरा गया, तो पहाड़ों से निकलते हुए झरनों, बारिशों, गाढ़ गधेरों, जंगलों की सरसराहट चलती हवाओं से लिया गया है। और पहाड़ के लोग तो सावन का बड़ा प्रतीक्षा करते हैं पूरे वर्ष भर में, कि कब सावन बरसे और कब जंगल हमारे लहलाएं, कब हमारे खेत लहलाएं, कब हमारे फूल अब प्रस्फुटित हों, और कब हमारे चेहरों में एक नैसर्गिक मुस्कान हो। क्या बात। तो लोक में जो सावन है उस पर तो कई, कालिदास ने तो पूरा काव्य ही रच डाला है। बहुत बड़ी बात आपका, है ना। मेघदूत तो पूरे सावन पर ही है, पूरा सावन पर है। और जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जिन जिन पहाड़ों के हम रहवासी हैं, वहां तो कलकल नदियों का स्वर तो सावन ही नहीं, पूरे वर्ष भर में है। लेकिन सावन का जब महीना हो, सावन का जब, सावन की जब अवधि हो, तो गाढ़ गधेरों का जो स्वर है, पशु पक्षियों की जो जो उनकी गुनगुनाहट है, मेंढकों की टरटर करती आवाज भी, यहां तक भी वो इतनी मधुर और इतनी सुमधुर लगती है कि मन तो 24 घंटे सोते हुए भी हम आह्लादित होते हैं। लोक में तो सावन का ये महत्व मैं कह सकता हूं। जी जी। डॉक्टर राकेश भट्ट, आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में जिस तरह से सावन को जीवंत कर दिया, और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि कालिदास का मेघदूतम तो पूरी तरह इस ऋतु पर ही केंद्रित है। तिवारी जी, जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे भट्ट जी ने कहा कि हम मेघदूतम की चर्चा कर रहे हैं, बाकी ये जो सावन की ऋतु है, इसको हमारे हिंदी साहित्य में, लोक साहित्य में किस रूप में दर्ज किया गया है? आप तो लगातार अध्येता रहे हैं और एक बहुत विशाल लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, तो इस पर आपकी टिप्पणी। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये सवाल रहा जी। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो आपने जो लोक में जो अभी ये सावन की ये इस पर बातचीत की, और अगर देखा जाए, अगर हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में इसका तो है ही, इसकी उपस्थिति दर्ज है ही, तो इसके अलावा जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो अगर हम बात करें ये हिमालयी क्षेत्र के, जो यहाँ के लोक में ये बिल्कुल अंदर तक समाया हुआ है जी। और जो ये इसके जो लोकगीत हैं और इसके तमाम जो कई कथानक हैं, तो वो इस कदर इसमें हमारे लोक में व्याप्त हुए हैं, तो इन्होंने जो हमारे जो आंसू कवि हैं और जो यहाँ के जो पुराने जो हमारे पहाड़ में जो कई संगीतज्ञ हैं, संगीतकार हैं और गायक हैं, तो इन्होंने जो ये चौमास का बहुत सुंदर इन्होंने अपने उसमें जो इसको रच के इसको और गायन करके लोक के साथ प्रस्तुत किया है, जब ये लोक में जब ये चीज़ चली जाती है तो वो लोक में ही मतलब आ जाती है, और लोक इसको फिर अपने एक उत्सव धर्मिता के रूप में और एक अगर कहें किसी अन्य आह्लाद प्रमोद के रूप में तो इसका गायन करता है। जैसे अभी भट्ट जी ने भी बताया कि ये जैसे जो ये नदियाँ चल चल कल कल जो एक मुझे लगता है जो ये संगीत भी कहीं ना कहीं ये चौमास से इस तरह से उतर कर आया होगा। और जहाँ तक जो मैं बात करूँ ये इसकी जो लोक में आपने लोक साहित्य में जो इसकी बात की, तो इसमें जो हमारे जो आंसू कवि हैं इन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीत रचे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं इसको जो आप कहते हैं कि लोक साहित्य में
और या साहित्य में इस तरह किस तरह से इसको दर्ज है, या साहित्यकार इसको किस तरह से अपने जो लेखन में कर सकते हैं, तो मैं इसको तीन तरह से देखना चाहता हूँ। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है ये कि पर्यावरण और प्रकृति के साथ जुड़ा। जैसे आप देखते हैं इस चातुर्मास में आपका हरेला पर्व है और घी संक्रांत है, इधर आप कुमाऊं की तरफ जाएं तो गौरा महेश्वर की कथा है और ठूल खेल है, हिल यात्रा है, और इधर ये मुझे लगता है जैसे गढ़वाल में कई जगह जो नंदा की जो इसमें जात जाती लगभग इसी महीने में ये जाती है, रोपणी का। हाँ, तो ये त्यौहार जो इस तरह से जो माने जाते हैं, एक तो ये पक्ष है इसका महत्वपूर्ण, और दूसरा जो इसका है सांस्कृतिक रूप में आप ये लगा लीजिए जो मेले थौलों में जो ये इस तरह से जो गायन होता है, और तीसरा जो मैं सोचता हूँ एक महत्वपूर्ण पक्ष जिसकी शायद मुझे कई जो साहित्यकारों ने या इन्होंने थोड़ा बहुत लिखा होगा, वो है जो सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं से ये चातुर्मास जहाँ एक ओर हमको सांस्कृतिक पक्ष को जोड़ता है तो वहीं एक कहीं जो एक गरीब है तो उसके कहीं जो खेत हैं वो बारिश से बह जाते हैं, या कहीं उसका मकान बह जाता है, या उसकी छत से टप टप पानी बहता है, और इसके अलावा जो हमारे जो खुदेड़ गीत हैं इस तरह से जो कई हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे लोक साहित्य में आता है। तो मुझे लगता है कि साहित्यकार जो हैं तो इस दिशा में भी अगर वो अपने साहित्य का सृजन करें तो एक नई दिशा भी मिल सकती है। जी चंद्रशेखर तिवारी जी, आपके वक्तव्य से ये लगा कि हमारे लोक में तो सावन को लेकर बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन ऐसा लगता है कि खासकर हिंदी साहित्य में अभी उसको दर्ज होने में समय लगेगा या उस पर बहुत गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। डॉक्टर राकेश भट्ट, ये जो हमारे सावन के गीत हैं, ऐसे तो गीत किसी भी ऋतु के कमोबेश कुछ कम कुछ ज़्यादा एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि आप रंगकर्मी भी हैं और संस्कृति पर आपका तिवारी जी जानते हैं और हमारे दर्शक भी इस बात को जानते होंगे कि चक्रव्यूह को लेकर आपने एक नया फॉर्मेट जो विकसित किया है वो अपने आप में अद्भुत काम है, और इसके लिए हम सभी आपको धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। ये जो हमारे सावन के गीत हैं इनका फॉर्मेट क्या है भट्ट जी, और जो इनका फॉर्मेट है जैसे ये अतीत से चले आ रहे हैं, क्या आज के दौर में इस हाईटेक दौर में उनकी प्रासंगिकता कुछ बची है? बिल्कुल नोटियाल जी, जी गीत संगीत का जहाँ तक आपने उल्लेख किया है जी, तो मुझे लगता है कि जो गीतों में जो सबसे ज्यादा माधुर्य है वो सावन के गीतों का है, और सावन के गीतों का इसलिए है कि सावन के गीत प्राय है जब विरह में चले जाते हैं, यानी कोई प्रिय साथी सावन के उस महीने में अगर आपके साथ नहीं है तो उस साथी को ज्यादा आप कहीं ना कहीं याद करते हैं, जैसे कहते हैं ज्यादा मिस करते हैं, तो वो जो मिसिंग है, वो जो मिसिंग फैक्टर एक कवि के जीवन में है, एक साहित्यकार के जीवन में है, इवन एक गांव की ठेठ महिला माँ के जीवन में है, बहन के जीवन में है, स्त्री के जीवन में है, वो जो मिसिंग फैक्टर है लोक को वही प्रस्फुटित करता है जी। और एक ऐसा नहीं सिर्फ हमारे लोक समाज में है जी। ये पूरे अगर संसार के इतिहास में देखें तो सबसे बेहतरीन गीत, सबसे बेहतरीन साहित्य, सबसे बेहतरीन उपन्यास सावन के विरह पर लिखे गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मुझे ये लगता है कि जो अगर मैं कहूँ आत्मा से गाए जाने वाले, आत्मा से लिखे जाने वाले जो गीत हैं वो सावन के गीत हैं जी। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जरूर स्वागत। कन्हैयालाल डंडियाल जी का आपने नाम सुना होगा, उनके बिल्कुल, उस गीत को नेगी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से गाया है जी। उस गीत का एक वंद है जी, तो वो नेगी जी ने जो जिस बेहतरी से गाया है, कन्हैया लाल डंडियाल जी ने उतनी बेहतरी से उसे गाया है जी। वो कुछ उसकी पंक्तियां कुछ ऐसी हैं जी कि झुमकी सी तुड़ तुड़ी मांगरी, बहुत बढ़िया, झुमकी सी तुड़ तुड़ी मांगरी मखमली हैरी सी आंगड़ी, हे झुमकी सी तुड़ तुड़ी मांगरी, झुमकी सी तुड़ तुड़ी मांगरी, बहुत सुंदर। खेलवारियों हल कदी धोपेली, घुंघटी से लौक दी कुएड़ी, झम झमले
ये कुछ गीत ऐसा झमझमेला ये बहुत में आ जाता है। बहुत सुंदर गीत है ये कन्हैयालाल टंडन। देखिए कोहरे पर भी गीत गा दिया है। एक कोहरा जो दिख नहीं रहा है सामने से, जिसके बावजूद भी वो कोहरा भी इतना प्यारा लग रहा है पहाड़ों में जी, जी। और वो मतलब हरे बुग्यालों में छाया हुआ जो कोहरा है जी। अब ये बताइए आप, कन्हैयालाल डंडियाल जी हमारे जो है वो किसी कालिदास से कम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे सैकड़ों गीत हैं जी, ऐसे हजारों गीत हैं जो सावन पर गाए गए हैं। और खुदेड़ गीतों की तो एक लंबी परंपरा है जी, जी। अगर आप हिंदी साहित्य में जाएं तो एक राग पहाड़ी पर गाई हुई गजल है, उसका भी अगर बंद आप सुनना चाहें। स्वागत स्वागत स्वागत। तो वो हुसैन ब्रदर्स हमारे आकाशवाणी के ही कलाकार रहे हैं जी, तो उनके गीत का राग पहाड़ी पर उनका एक गीत है। हालांकि राग पहाड़ी तो पहाड़ी पहाड़ों से निकला हुआ। बिल्कुल। जब बरखा की रुत आएगी हरियाली साथ में लाएगी, क्या बात है? जब कारी बदरी छाएगी कोयल मल्हारे गाएगी, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक याद हमें तड़पाएगी दो नैना नीर बहाएंगे, हम तुमको भूल पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। ये गीत बड़ा प्रसिद्ध गीत है जी, तो जी। ये मुझे इसलिए लगता है कि ये जो बंद है ये जैसा लगता है कि हमारे पहाड़ के लिए गाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और राग पहाड़ी में ही गाया जी, राग पहाड़ी में गया और उस लोक समाज के लिए गाया गया जिस लोक समाज की आप बात कर रहे हैं जी जी जी। चंद्रशेखर तिवारी जी, जैसे अभी मैं तो भट्ट जी को इस बात के लिए, भट्ट जी की तारीफ करता हूँ कि साहित्य संस्कृति कला इन तीनों को जिस तरह से आपने साधा है ये अद्भुत है। और अभी जब हमारे दर्शक आपके स्वर सुन रहे थे तो मन तो ये कर रहा था कि बाकी पूरा विमर्श एक किनारे रख के आपको ही सुनना शुरू कर दें, पर बहरहाल उसके लिए फिर कभी कोई आयोजन सही। बहुत सी बातें हैं चंद्रशेखर तिवारी जी जी, जिस तरफ अभी भट्ट जी इशारा कर रहे हैं कि हमारे लोक में दुनिया भर का साहित्य बिखरा पड़ा है और खासकर ये जो सावन ऋतु है इस पर बहुत सारे खुदेड़ गीत आपने कहे, खुदेड़ गीतों का तो ये पूरा मौसम ही है जिसको आप चौमास कह रहे हैं। खुद से ही प्रस्फुटित है ये जो लोक संगीत है। हाँ, खुद से ही सावन का जो लोक संगीत। लेकिन आपको क्या लगता है कि साहित्य में, हिंदी साहित्य में ये कितना आया है और जिन साहित्यकारों ने इस पर लिखा है, कवियों ने लिखा है, उनको उनमें से कुछ के नाम अगर आप मेंशन करना चाहें? जरूर, मैं बताना चाहूँगा जी। और अगर मैं शुरुआत करूँ जी, अगर हिंदी साहित्य की खासकर पहले तो हिंदी साहित्य में अगर मैं शुरुआत करूँ तो सुमित्रानंदन पंत ने भी थोड़ी बहुत कविताएं लिखी हैं और इसमें जो मुझे सबसे जो प्रिय कवि रहे हैं नागार्जुन। नागार्जुन, हाँ, नागार्जुन हमारे यहीं ये जहरी खाल में जी, यहाँ जी। उनका ग्रीष्म प्रवास रहता था तो उन्होंने जो इसके जो जहरी खाल से नीचे सतपुली के जो धीरे धीरे जो बादल जो घिरते थे उन बादलों पे, हाँ, तो वो उनकी जो एक कविता जो थी वो यही थी कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो वो उनकी जो रचना जो है तो यहीं वो मेरे ख्याल से यहीं जहरी खाल में जो उनके मित्र थे वाचस्पति जी, तो उनके वहाँ रहा करते थे जी, बनारस के वाचस्पति जी, तो उनके वहाँ रहा करते थे तो उन्हीं दिनों इन्होंने ये रचना करी। और उसके अलावा मैं एक जो हमारे और जो पहाड़ के ही एक बड़े अच्छे कवि हैं मंगलेश डबराल जी, तो उन्होंने, हाँ, मंगलेश डबराल की भी एक कविता मैंने देखी जी, तो उन्होंने अपने परिवार और अपने पिता और अपनी माँ, जब ये उनका जो उसका वर्णन किया है कि जब ये देर रात जब बारिश होती है तो मंगलेश डबराल जी आते होंगे तो पिता किस तरह से उनका इंतज़ार करते हैं और माँ के अंदर वो बेटे के आने की आस जो जिस तरह है, तो वो दो पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा। जी जी जरूर, स्वागत। तो उन्होंने एक कवि उसमें कविता में लिखा है, एक रात मैं घर लौटा जब बारिश थी, पिता इंतजार करते थे और माँ व्याकुल थी। तो उन्होंने एक ये इस बारिश में इन्होंने ये कविता लिखी थी। तो इसके अलावा जो और भी जो कई
हैं रचनाकार, तो शैलेश मटियानी ने उन्होंने कहानियों में कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया है। और मुझे लगता है कि कथा साहित्य से ज़्यादा जो ये यहाँ के जो पहाड़ की बरसात है, तो इसका जो जिक्र है कविताओं में ज़्यादा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी के अलावा जो एक हमारे लोक कवि हैं गिरदा, तो गिरदा ने भी क्या कहते हैं जो यहाँ के जो सावन का एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है। तो उनकी एक वो कविता है, वो सावनी सांझ आकाश खुला है, गीली लकड़ी का गीला धुआं है। तो उन्होंने जो सावन के महीने में जो एक जो छानी और खरकों में जो चरवाहे जो जाते हैं और वहाँ वो जिस तरह से उनकी ज़िंदगी है और वो उसका उन्होंने एक बड़ा सजीव वर्णन किया है। और इसके साथ ही जो हमारे यहीं मसूरी में रहते हैं रस्किन बॉन्ड जी, तो इनकी एक जो किताब है रेन इन द माउंटेन, रेन इन द माउंटेन तो उसमें भी उन्होंने ये यहीं के पर्वतीय जनजीवन के तो उन्होंने बड़ा जिक्र किया है। ये तो अगर हम देखें खासकर ये हिंदी साहित्य की बात करें, तो इसके अलावा अगर हम लोक साहित्य की बात करें तो इसमें जो हमारे जो यहाँ के जो आसु कवि थे, तो ये जो औजी लोग थे, तो ये लोग जब इन्होंने गीतों की रचना की, तो इसमें मुझे एक याद आ रहा है कि यह जब सतपुली में 1951 में सितंबर के महीने में एक बहुत बड़ी एक त्रासदी आपदा आई, तो वहाँ जो कई जो उसको नदी के किनारे कई गाड़ियाँ थी, तो वो उस बरसात के उससे बह गई थी। लोकगीत एक उसमें बना है, तो वो उसमें भी रचना की है। तो इस तरह मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह के लोकगीत ये आए हैं। और एक जो मुझे थोड़ा सा इसी संदर्भ में एक जिक्र और करना चाहूँगा, एक गढ़वाल अंचल में ही एक लोकगीत है कि वो एक जब काली मतलब घनघोर घटा है, रात है, तो उसमें शायद वो कुछ जो बेटी के साथ कुछ गलत काम कुछ किया होगा वहाँ उसके पति ने, तो वो रात घना घोर माजी, रात घना घोरा, तो इस तरह का एक वो उसमें भी गीत आया है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि ये जो ये चौमास के गीत हैं, जैसा अभी भटजी ने भी बताया, एक जो अंदर की जो एक मानव की जो पीड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी इन रूप में इन लोकगीतों में ये मुखरित हुई है। ये भटजी, अभी जो तिवारी जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि लोक में जो कुछ आता है वो लोक से आता है, लोक के अंतस से पहुंचता है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जो कि अमूमन साहित्य स्वस्फूर्त जिसको आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास ये जानने के लिए आ रहा हूँ कि आपका तो लोक संगीत में बहुत बड़ा काम है, लगातार आप विश्वविद्यालय में बाकायदा विषय भी पढ़ा रहे हैं, साहित्य संस्कृति कला से लगातार जुड़े हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है, खासकर जो अब शहरों में महानगरों में आ गई है, एक तो जो हमारा लोक संगीत है उसको लेकर इस पीढ़ी का क्या रुझान है? क्या आपको कभी महसूस होता है कि जब आप यहाँ से दिल्ली या महानगरों में जाते हैं, तो वो जो यहाँ के पर्वत अंचल की या पर्वत अंचल की ही क्यों, वो महानगर की भी है, क्या लगता है नई पीढ़ी का क्या दृष्टिकोण है लोक संगीत के प्रति? देखिए नौटियाल जी, नई पीढ़ी तक हस्तांतरण कितना कर पाए हम, ये महत्वपूर्ण, इसका दायित्व तो हमारे आप जैसे लोगों महनीय लोगों पर है। मुझे ये लगता है कि जो हम लोग हैं, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं जी, हम अपनी संस्कृति को हस्तांतरण करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आमतौर पर जो शहरों में जिस तरह से अब हमारा रख रखाव रहन सहन है, एक छोटा सा उदाहरण यही है कि अगर मैं मेरी दादी ने मेरी माँ ने मेरे पिता ने मुझे अपनी भाषा विरासत में दी है, तो क्या मैं अपने बच्चे को वो भाषा विरासत में दे रहा हूँ? बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक प्रश्न मेरे व्यक्तित्व पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त प्रश्न। उसके लिए ये आवश्यक होगा कि आप व्यवहार में लोक आचरण करें। ठीक है, अगर आप पब्लिक डोमेन में भाषा बोलने में आपको संकोच है, तो कम से कम बच्चों के साथ तो बोलिए। जी जी, आप और मैं या तिवारी साहब अपनी लोक भाषा को इसलिए समझ पाते हैं, इसलिए बोल पाते हैं, क्योंकि हमें विरासत में हमारी दादी ने, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने दिए। जी जी, अब हमारा दायित्व तो था हम अपने बच्चों में उसको हस्तांतरित करते। जी, पति पत्नी ही जब आपस में घर में आप हिंदी या दूसरी भाषाओं में बात करेंगे, तो बच्चों में भाषा नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक, और जब भाषा नहीं आएगी तो उनके अंदर उत्कंठाएं भी नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक, जिज्ञासाएं भी नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी खान पान की संस्कृति है, बाजारों में जिस तरह से बच्चे आज का जो ये स्ट्रीट फूड खा रहे हैं जैसे कहते हैं,
तो हम जब कोई लोक से जुड़ी हुई चीजें जब खाते, माना कोदे की रोटी खाते तो हमारी उत्कंठा थी बिल्कुल कहां से होता है, बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं की रोटी खाते तो गेहूं कहां से होता है, बिल्कुल। काफल आते हैं तो काफल कहां होता है, आड़ू आते तो आड़ू कहां से होता है, क्या बच्चे आज ये सब खा रहे हैं? जब ये खा ही नहीं रहे तो उनके अंदर उत्कंठा भी नहीं होगी, नहीं होगी जी, है ना। तो मुझे ये लगता है कि जब तक हमारा इस पीढ़ी जो ऐसा एक बड़ा अच्छा कथन हमारी पीढ़ी के बारे में ये कहा जाता है कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन उस दौर में भी देखा और आज भी देखा, बिल्कुल बड़े भाग्यशाली पीढ़ी, भाग्यशाली पीढ़ी है। और इस भाग्य पर मुझे भी नाज है, बिल्कुल हो सकता है कि आपको भी मुझसे ज्यादा, बिल्कुल होना चाहिए जी। तो हम उस पीढ़ी को भाग्यशाली बनाए जी, अगर वो परिवर्तन हम दिखा नहीं सकते हैं उसके बारे में हमारी कहन तो हो सकती जी, हमारी कहानियां हैं, बिल्कुल। ये भट्ट जी जो आप कह रहे हैं, चलिए ये एक हमारा सामाजिक दायित्व है जिसमें आपकी चिंता बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। हमारी कुछ सरकारी संस्थाएं भी हैं जो लोक साहित्य संगीत कला को लेकर स्थापित हुई हैं राज्यों में और भारत सरकार। आपको तो हाल में ही तिवारी जी को जानकारी होगी कि डॉक्टर राकेश भट्ट को हाल में ही संस्कृति मंत्रालय का प्रतिष्ठित, भट्ट जी आप खुद ही क्या संगीत नाटक अकादमी अवार्ड आपको मिला है हाल में ही, और इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। साहित्यिकी का ये मंच अपने आप को गौरवशाली समझता है कि आप हमारे साथ बातचीत में हैं। उन संस्थाओं की क्या भूमिका है जो सरकारी संस्थाएं हैं? मैं ये कहता हूं कि जहां जहां भी इस तरह के मेरे साक्षात्कार होते रहे तो ये प्रश्न जरूर आता है जी, बिल्कुल आना भी और चाहिए। इस प्रश्न पर मेरा एक ही जवाब होता है, ईमानदार कोशिशें नहीं है। अच्छा, सरकारी स्तर पर भी जी, सरकारी संस्थाओं को ये जानना और पहचानना चाहिए क्या ठेठ व्यक्ति तक आपकी पहुंच है कि नहीं है जी, जो इसके कलावंत हैं जी। आज भी लोक समाज में हमारा ढोली समुदाय है जो दरिद्र है, उपेक्षित, उस तक आर्थिक सहायताएं नहीं पहुंच रही है जी, उस तक उसकी जरूरतों को पूरा करने की जितना भी मतलब हमारे संसाधन है वो नहीं पहुंच रहे हैं जी। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि हमारा ढोली समुदाय दूसरा पेशा अपना दे रहा है, बिल्कुल अपनाएगा क्यों नहीं, वो या तो दर्जी बन जाएगा या फिर कुछ नौकरियों में चला जाएगा या ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है तो गाँव में दूसरों के हल लगा रहा है जी जी। तो क्या ये काम था क्या ढोली का? बिल्कुल, उसका तो काम संरक्षण का था, बिल्कुल। लोक सावन का तो जब अब आप देखिए कि सावन में तो अब अवरोपणियों का हमारा बहुत सुंदर अब तीज त्योहार आने वाला है, बहुत एक उत्सव की तरह होता है, बिल्कुल होता है जी। और उसको अनुष्ठान माना जाता है, यानी अगर हम सभी सहभागी रहे हैं जी जी जी, उससे बड़ा उत्सव सावन में हमारे यहाँ कोई है नहीं, नहीं होता जी। और इन ऐसे अवसरों पर ढोलियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी जी। तो ये जो इस तरह का जो ये एक दुर्भाग्यजनक पहलू है जी, सरकारी स्तर पर ऐसे ठेठ व्यक्तियों को मदद मिलनी चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जी जी। नौटियाल साहब, मैं आज दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये बता रहा हूँ, बहुत से उम्रदराज रिसोर्स पर्सन हमारे गांव में ऐसे हैं जिनके साथ ये सावन के गीतों की विधाएं समाप्त हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, जिनके साथ ये ढोल की विधा समाप्त हो जाएगी, जिनके साथ चैती गीत समाप्त हो जाएंगे, जिनके साथ फूलों के गीत समाप्त हो जाएंगे, हमारे पास उनके अभिलेख ही करने की व्यवस्था क्या है? बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं है, नहीं है जी। फिर हम आने वाली पीढ़ी को जवाब क्या देंगे? वो चाहे संस्कृति विभाग हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सही कह रहे हैं, हम निरुत्तर हो जाएंगे, बिल्कुल सही। ठोस प्रयास होने चाहिए जी, उस जी। समाज पर को उपेक्षित नहीं रखें जी। अभी भी समय है, मैं आपको बार बार मैंने हर इंटरव्यू में हर साक्षात्कार में ये कहा कि विश्व में लगातार जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं बोलियां हैं वो अबाध गति से समाप्त हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और आज का डाटा यह है कि लगभग 500 बोलियां प्रत्येक दिन में जी पूरे संसार में खत्म, प्रत्येक दिन के हिसाब से खत्म हो रही है 500 बोलियां। ये बड़ा मतलब आपको आश्चर्यजनक तथ्य लगेगा, आश्चर्यजनक नहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उस रडार पर हमारी लोक बोलियां भी हैं, हमारे लोक गीत भी हैं, हमारी लोक भाषा भी है जी। राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू हमारे विश्वविद्यालय में कहकर गई हैं स्पेशली जी कि जब अगर आप लोक भाषाओं को बचाने की बात नहीं करेंगे, उनके संरक्षण की बात नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा समाज खो देंगे हम, बिल्कुल खोते हैं, है ना, बिल्कुल खोते। और इस बात के लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अटेंशन लिया इस बात पे, बिल्कुल। और नौटियाल जी ये बताते हुए मुझे खुशी है कि दून विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग में उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में हमने लोक संस्कृति के बहुत से ऐसे कार्यक्रम जी वो हमारे संज्ञान में भी है कि जो विश्वविद्यालय के बच्चों को पहली बार जिसका बोध हुआ ना, क्या बात कि हमारे यहाँ सावन के गीत कैसे हैं, ढोल का ताल क्या है, नंदा के गीत क्या है, नंदा का एथिक्स क्या है, उसका मिथक क्या है जी। जब उन्होंने ये सब चीजें देखी
तो आंखें खुल गई। और आज मैं दावा करता हूं 3 वर्षों की ये यात्रा जो है ये उस वो जो समुदाय है जो बच्चों का हमारा है, हमने बहुत अच्छा टारगेट ग्रुप बनाया है और आज वो हर बार आप पूछते हैं सर आप नया आप क्या कर रहे हैं, हम चाहता कि अपने पहाड़ को जान पे जिन बच्चों ने यहाँ जन्म लिया देहरादून में उनको बोध नहीं हो पाएगा, अब उनकी गलतियां नहीं है लेकिन हम कम से कम गीतों के माध्यम से ट्रांसफर साहित्य के माध्यम से उनको वहां तक तो ले जा सकते हैं ना। लेकिन डॉक्टर राकेश भट्ट एक चीज आपकी ही बात पर मैं जोड़ रहा हूं कि भले हम कहीं भी रहें पर जो हिमालय का डीएनए है हिमालय का गुण सूत्र है वो कहीं ना कहीं जैसी आप ढोल बजाएंगे तो वो थिरकने लगेगा, जैसी आप चैती गाएंगे तो वो झूमने लगेगा, जैसे आप झूमेलो गाएंगे तो अपने आप उसके हाथ उस इसी बात का समर्थन करते हुए मैं आप एक और जो मुझे जो अच्छा लगता है जी, आज से 20 वर्ष पहले हम देहरादून की शादियों में भांगड़ा सुनते थे जी, नजीबाबाद का बैंड सुनते थे जी, आज मुझे ये बात जान के खुशी होती है जहां जहां भी शादियां हो रही होती हैं कम से कम अपना गीत बज रहा होता है जी जी, तो वो जो डीएनए की जो आपने बात जी जी, लेकिन उस डीएनए को मजबूत करने की आवश्यकता है, लोक व्यवहार जिसे मैंने कहा है जब तक हम उसको बरतेंगे नहीं तो बहुत ठीक तरह से वो ट्रांसिपमेंट नहीं होगा, औपचारिक ज्यादा रह जाएगा और विश्वविद्यालय हमारे जी जी दून विश्वविद्यालय निश्चित रूप से इस पे बहुत इसके लिए और उसकी वजह भी यही है कि आप जैसे उसके लिए मैं आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी का के प्रति कृतज्ञता है पूरे लोक समाज की ओर से और पूरे उन संस्कृति कर्मियों की ओर से जिन्होंने एक मंच उपलब्ध करवाया है और कोशिशें की हैं कि हम अभिलेखीकरण कर रहे हैं और अभी तो आपको मैं बताऊं कि जो विश्वविद्यालय की जो नैक टीम या जितने भी सेमिनार हुए जितने भी हमारी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जब जब भी हमने पहाड़ के लोक संस्कृति से उनको रूबरू करवाया है तो सबका यह कहना है कि हमने पहली बार इस कार्यक्रम के माध्यम से पहाड़ को जाना है जी, तो ये हम ये हमारे लिए एक इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर राकेश भट्ट आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि दून विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इस तरह के प्रयास कर रहा है और चाहे वहाँ पर कुलपति महोदया का व्यक्तिगत प्रयास हो या आप जैसे जो प्राध्यापक वहाँ पर जो उस गंभीर सोच के लोग हैं वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि छोटे 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 इन प्रयासों से हो सकता है जिस भाषा की तरफ आपने चिंता व्यक्त की जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं वो किसी रूप में आगे जी ट्रांसफर हो पाएगी। थोड़ा सा भट्ट जी मैं विषयांतर करते जी, हुए जी, और तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। तिवारी जी ये जो सावन का चौमास आपके ही शब्द को अगर उधार लूँ जी, चौमास में आपके अंतस में क्या कुछ चलता है और आपका मूल क्षेत्र जो अल्मोड़ा बहुत समृद्ध रहा है, डॉक्टर राकेश भट्ट मेरी बात को स्वीकार करेंगे जी, जी, बिल्कुल। अल्मोड़ा और पौड़ी हमारी सांस्कृतिक नगरियां रही हैं जी, आप अल्मोड़ा की पृष्ठभूमि से हैं, अल्मोड़ा को इस दौर में जब आप देहरादून में बैठे हैं और सावन बरस रहा है बादल घिर रहे हैं कितना मिस करते हैं, कैसे मिस करते हैं? ये आपने मुझे तो एक प्रकार से जिसे कहते हैं कुमाऊनी में नराई लगा दी कहते हैं, क्या बात है नराई लगा दी तो एक प्रकार से सुंदर सब। तो आपने मुझे अपने पुराने और वो भी बचपन के दिनों में, क्योंकि बचपन में जो जिस तरह से जिया एक स्वतंत्र होके जिस तरह से वो चौमास को देखा तो आपने याद दिला दी, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। खासकर जो मेरा बचपन था तो इधर ये नैनीताल जिले से आगे एक सुदूर उखलकांडा एक जगह है, तो वहाँ पिताजी मेरे फॉरेस्ट में सरकारी नौकरी में थे तो उन्हीं के साथ पढ़ाई के लिए मैं भी वहाँ गया था, तो शायद ऐसी दर्जा 7 या 8 की बात होगी। तो वहाँ उसी गांव का उखलकांडा गांव का एक मेरा मित्र था सहपाठी बलवीर था, तो ऐसे ही बरसात का मौसम था तो वहाँ ज़्यादातर ये मक्का बहुत होती है उधर, तो इसी बरसात के टाइम में होती है। तो उन दिनों एक दिन उसने निमंत्रण दिया कि आज मेरे एक खरक था वहाँ पर छानी तो वहाँ चलेंगे, तो बड़ा अच्छा मन हुआ तो घर से इजाज़त ली और तो एक रात मैं उसके साथ वहाँ चला गया। तो वहाँ देखा मैंने तो ये रुनझुन बारिश हो रही थी ऐसी, और बीच जहाँ पर मक्का के खेत थे वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा मचान बनाया था, तो उसी घर के उसका खाना आया तो हमने वहीं खाना खाया, तो रात भर हम उसी मचान में रहे, तो बाहर की जो रुनझुन रुनझुन जो बारिश लग रही थी और वो कोहरा जिस तरह से हम देखते थे वो कोहरा कभी कभी क्योंकि मचान खुला था तो अंदर तक भी ठंड भी लग रही थी, अलाव भी जला था, तो वहीं हमने जो वो मक्का वो क्या कहते हैं उसके भून के खाए, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा जब हम रात को
जब ये वहाँ लगती थी बरसात के टाइम में, वहाँ बैसी भी लगती है, तो दूर कहीं सोते में हमारे जो बारिश की भी जो खनखनाहट के साथ, तो वहाँ जो बैसी के जो कांसे की थाली में जो जागर गायन और हुड़के की थाप में, ढोल की थाप में जो वो गीत सुनाई देते थे, तो वो भी एक अद्भुत रहते थे। जी जी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, जी ये कार्यक्रम के समापन के समय में आपके पास इसलिए इस सवाल के साथ आया जी, जी। कि जब हम सावन की बात कर रहे हैं और सभी डॉक्टर राकेश भट्ट तो बहुत गहरे अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं, बहरहाल साहित्यिकी के इस मंच पर इस शानदार परिचर्चा में डॉक्टर राकेश भट्ट और चंद्रशेखर तिवारी जी आप दोनों आए, आपने बहुत सुंदर बातचीत की, इसके लिए आप दोनों का आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी, अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।